नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RPSC स्टडी एग्ज़ाम्स पर। तो पिछले पार्ट में अपने क्या किया था, पिछले पार्ट में अपने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। उसमें मैंने बताया था कि राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, तो चार में बांटा गया है। ठीक है, पहला कौन सा था, पश्चिम मरुस्थल, दूसरा कौन सा था, अरावली, ठीक है, तीसरा कौन सा था, पूर्वी मैदान, और चौथा कौन सा था, हड़ौती। तो वो जो अपने आज करने वाले हैं वो है पश्चिम मरुस्थलीय। पहला मरुस्थल जो पहला इसका पार्ट है भौतिक प्रदेश, तो वो कौन सा है, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, या इसको बोलते हैं थार का मरुस्थल। तो चलो चलते हैं इस पे। थार का मरुस्थल है जो भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है, तो ये 62.62 भारत में कितना है, तो 62 है, ठीक है, इतने प्रतिशत क्षेत्र पर फैला। और पाकिस्तान में कितना है, ये 38 पर फैला हुआ है, ठीक है। तो राजस्थान में ये कितना है, तो 61.11% है, और पंजाब, गुजरात और हरियाणा में 0.89% है। मतलब समझे आप, देखो भारत में तो ये फैला हुआ है 62%, ठीक है, जो भारत में 62% है उसमें से 61.11 तो है राजस्थान में, ठीक है, और बीच पीछे रह गया 0.89, तो वो पंजाब, गुजरात और हरियाणा में फैला हुआ है, ठीक है। 62% तो ये हो गया, और 38% है जो पाकिस्तान में फैला हुआ है। ये बात आपको क्लियर हुई। उसके बाद में देखो, उसके बाद में है कि ये इसका थार के मरुस्थल का पूर्ण विस्तार कितना है, पूर्ण विस्तार कितना है थार के मरुस्थल का, तो ये कितने में फैला हुआ है, 2,09,042 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है थार का मरुस्थल है जो। पर जो इसमें पूर्णतः या मुख्य मरुस्थल है, पूर्णतः मतलब जिसमें कि पूर्णतः रेतीला है जो, ठीक है, पूर्णतः या मुख्य मरुस्थल वो कितने में फैला हुआ है, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में। अब ये क्वेश्चन ही बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है, तो थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है, 2,09,042 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये क्लियर हुआ। उसके बाद में अगर पूछ ले कि पूर्ण मरुस्थल या मुख्य मरुस्थल कितना है, तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, क्लियर है। तो इसके बाद में देखो, यह न्यूनतम जनघनत्व वाला प्रदेश है। अब ये क्वेश्चन क्या है, ये राजस्थान का न्यूनतम जनघनत्व वाला प्रदेश है, ठीक है, राजस्थान का न्यूनतम जनघनत्व वाला प्रदेश कौन सा है, तो राजस्थान का न्यूनतम जनघनत्व वाला प्रदेश ये है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रेतीली मिट्टी पाई जा रही है, और यहाँ पर क्या है, कृषि साधन ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, रेतीली मिट्टी होने के कारण यहाँ पर वनस्पति ओनली 0.05 पाई जाती है, और वनस्पति यहाँ पर कम देखने को मिलती है। तो ये वाला एरिया है, ये न्यूनतम जनघनत्व वाला प्रदेश है, क्योंकि यहाँ पर कृषि संभव नहीं है, और यहाँ का तापमान अदर अपने राजस्थान के अदर पार्ट में से सबसे ज़्यादा तापमान यहीं पर रहता है, तो ये न्यूनतम जनघनत्व वाला प्रदेश है। एक क्वेश्चन और बनता है, एक क्वेश्चन और आता है कि वो जो विश्व में सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है, तो वो थार का मरुस्थल है, ठीक है भाई, दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो ये तो राजस्थान का न्यूनतम जनघनत्व वाला प्रदेश है थार का मरुस्थल, अगर पूछ ले विश्व का सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है, तो वो कौन सा है, थार का मरुस्थल है, क्लियर है। तो यहाँ पर 60 पॉइंट मैंने अभी आपको बताया था, 61.11% क्षेत्रफल पर यहाँ पर 40% जनसंख्या निवास कर रही है, और ये कितने जिलों में फैला हुआ है, ये 12 जिलों में फैला हुआ है। 12 जिले कौन कौन से हैं वो देख लो, 12 जिले हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, पाली, जालौर, चूरू, झुंझुनू और सीकर। और यहाँ का औसत तापमान कितना रहता है, यहाँ का औसत तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, मतलब ये वार्षिक है, वार्षिक तापमान की एवरेज निकाली जाती है, तो यहाँ पर औसत तापमान कितना रहता है, तो 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, ये क्लियर है आपको। इसके बाद में देखो विशेषताएं, देखो इसके थार के मरुस्थल की विशेषता कौन कौन सी है, यह विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या और जैव विविधता वाला मरुस्थल है। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर मरुस्थल में जनसंख्या सर्वाधिक रहती है, वो कौन से में निवास कर रही है, थार के मरुस्थल में निवास कर रही है, ये क्लियर है। उसके बाद मैंने बताया जैव विविधता वाला, यहाँ पर जैव विविधता सर्वाधिक है इस मरुस्थल में। देखो राजस्थान के अलावा जितने, राजस्थान के थार के मरुस्थल के अलावा विश्व में जितने भी मरुस्थल है वहाँ पर क्या है, जीना मुश्किल है, क्योंकि वो पूर्ण रेतीला है, पर ये ओनली एकमात्र विश्व का ऐसा मरुस्थल है जहाँ पर क्या है, जनसंख्या सर्वाधिक निवास कर रही है और जैव विविधता वाला स्थान है, क्योंकि देखो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर कितनी परसेंट जनसंख्या निवास कर रही है, 40%, तो राजस्थान की 40% जनसंख्या है जो थार के मरुस्थल में निवास कर रही है, ये क्लियर है। पर यहाँ पर क्या है, 60.61.11% क्षेत्रफल निवास कर रही है, मतलब कि क्षेत्रफल इसका बहुत ज़्यादा बड़ा है,
और जनसंख्या यहाँ पर कम निवास कर रही है। पर ये विश्व के संदर्भ में देखा जाए तो 40% जनसंख्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा निवास कर रही है, क्योंकि विश्व के और भी जितने भी मरुस्थल हैं वहाँ पर क्या है, जनसंख्या इतनी निवास नहीं करती। क्लियर है। अब इसके बाद में देखो इसकी विशेषता, देखो पहली विशेषता होगी थी, उसके बाद में दूसरी भी देखो, भारतीय उपमहाद्वीप में ऋतु चक्र को परिवर्तित नियमित करता है। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो ये थार का मरुस्थल है तो ये वाला जो पार्ट है सबसे ज़्यादा रेतीला है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, जनसंख्या कम निवास कर रही है, और ये क्या है, एक हीटर का काम करता है। हीटर का काम मतलब कि यहाँ पर जब ये गर्म हो जाता है तो ये क्या, मानसून को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, मानसून को अपनी ओर आकर्षित करता है। और थार के मरुस्थल का एक मैं आपको विशेषता और बता दूं कि जो बलुई मिट्टी होती है इसका सबसे ज़्यादा मतलब इसकी विशेषता ये होती है कि ये सबसे ज़्यादा पहले गर्म हो जाती है और ठंडी भी जल्दी होती है और गर्म भी जल्दी होती है। तो ये भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून को आकर्षित करता है। देखो अब यहाँ पर मैं आपको भी बताता हूँ, जब ये विश्व के जब मानसून के संदर्भ में लगा लें तो जैसलमेर में क्या होता है, ये न्यून वायुदाब का केंद्र बन जाता है। तो जब न्यून वायुदाब का केंद्र बन गया तो हवाएं क्या होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, तो यहाँ पर क्या न्यून वायुदाब केंद्र हो गया, तो ये हवाएँ हैं जी। ठीक है, ये हवाएँ क्या है, तो इस ओर जाएगी, तो इस ओर जाएगी तो यह क्या होगा, यहाँ पर वर्षा करेगी, पर यह अरावली के समांतर होने के कारण यहाँ से सीधा निकल जाती है। तो अपने जो अरब सागरीय मानसून की शाखा है उससे राजस्थान में वर्षा कम होती है। क्लियर है। उसके बाद में नेक्स्ट चलो, थार का मरुस्थल देखो, ये थार का मरुस्थल और तिब्बत का पठार, ये भारत उपमहाद्वीप में निम्न वायुदाब का केंद्र है। क्लियर है, मतलब थार का मरुस्थल है जो और तिब्बत का पठार है, ये क्या दोनों गर्म हो जाते हैं, मतलब तापमान ज़्यादा हो गया और वायुदाब क्या हो गया, तापमान क्या हो गया प्लस हो गया और वायुदाब क्या हो गया वो माइनस हो गया। मतलब यहाँ पर क्या है, न्यून वायुदाब का केंद्र बन गया, न्यून वायुदाब का केंद्र बन गया तो क्या हुआ, तो ये हवाएँ हैं जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेगी। ठीक है, तो लो प्रेशर की ओर चलेगी तो क्या होगा, यहाँ पर इस ओर के ये क्या वायुदाब जो निम्न बना था तो ये क्या वर्षा को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। क्लियर है। उसके बाद में नेक्स्ट चलो, यहाँ की मुख्य नदी कौन सी है, तो आपको पता ही है लूणी नदी है जो यहाँ की मुख्य नदी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो थार के मरुस्थल की मुख्य नदी कौन सी है, तो लूणी नदी इसकी मुख्य नदी है। उसके थार के मरुस्थल का ढाल पूछ ले तो वो कौन सा है, या तो उत्तर से दक्षिण है या उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर है, सॉरी दक्षिण इधर की है, दक्षिण पश्चिम की ओर है, सॉरी गलत हो गया ये। देखो थार के मरुस्थल है जो इसका ढाल कैसे है, उत्तर से दक्षिण है या उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है थार के मरुस्थल का ढाल कैसा है, उत्तर से दक्षिण है या उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, मतलब ये क्या है गुजरात की तरफ, यहाँ पर क्या है गुजरात आपको पता ही है तो गुजरात की तरफ है। तो थार के मरुस्थल का ढाल कैसा हो गया, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर हो गया। क्लियर है, दोबारा देख लेगा, ये दिशा कौन सी होती है, ये उत्तर, ठीक है, ये कौन सी होगी पूर्व, ये कौन सी होगी पश्चिम या ये दक्षिण, तो इसका ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर है या उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट देखो लोएस का मैदान किसको बोलते हैं, तो लोएस का मैदान पवनों द्वारा निर्मित मैदान को, जो पश्चिम मरुस्थल है तो वहाँ पवनों द्वारा निर्मित जो मैदान बना है उसको क्या बोलते हैं, लोएस का मैदान बोलते हैं। लोएस का मैदान वैसे चीन में है। ठीक है, लोएस का मैदान वैसे चीन में है। तो देखो लोएस का मैदान किसको बोलते हैं, पवनों द्वारा निर्मित मैदान को लोएस का मैदान बोलते हैं। उसके बाद में देखो सर्वाधिक क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक वायु प्रदूषण कहाँ होता है, तो जैसलमेर में सर्वाधिक वायु प्रदूषण हो रहा है। और अगर एक क्वेश्चन आता है कि सभी प्रकार के बालुका स्तूप कहाँ पर मिलते हैं, तो वह कहाँ पर मिलते हैं, वो जोधपुर में मिलते हैं। ठीक है, सभी प्रकार के बालुका स्तूप हैं वो कहाँ पर मिल रहे हैं, वो जोधपुर में मिल रहे हैं। और वायु का सर्वाधिक अपरदन राजस्थान में कहाँ पर हो रहा है, वो कहाँ पर हो रहा है, जैसलमेर में हो रहा है। लोएस का मैदान देखो कहाँ फैला हुआ है, जैसलमेर बीकानेर गंगानगर में। ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद में देखो यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर जो वनस्पति है वो कैसी पाई जाती है, तो यहाँ पर वनस्पति है वो मरुद्भूमियाँ जीरोफाइट पाई जाती है। जो जीरोफाइट वनस्पति होती है इसकी विशेषता क्या होती है, इसकी जड़ें लंबी होती है। जड़ें लंबी क्यों होती है, देखो मरुस्थल होगा तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर ऊपर पानी नहीं होगा तो पानी बहुत अधिक गहराई में होता है, तो इसकी जड़ें क्या होती है
सर्वाधिक अत्यधिक गहराई में होती है, ठीक है। तो इसकी जड़ें क्या है, अत्यधिक गहराई में होती है, तो ये क्या है, पानी की तलाश के लिए नीचे चली जाती है। तो यहाँ पर कौन सी वनस्पति पाई जा रही है, तो यहाँ पर मृदविद यहाँ जीरोफाइट वनस्पति पाई जा रही है। अब जो देखो राजस्थान में वो थार का मरुस्थल है, तो थार के मरुस्थल को भी दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो पहला कौन सा हो गया, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान के थार के मरुस्थल को दो भागों में बांट रही है, ठीक है। अगर राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली वर्षा पूछ ले, तो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा थार के मरुस्थल को अरावली से अलग कर रही है, ठीक है। जो अपने देखो एक बार सीधा क्लियर करो कि जो थार के मरुस्थल में शुष्क व अर्धशुष्क दो पार्ट बांटे गए हैं, ठीक है। ये वाला शुष्क हो गया और ये कौन सा हो गया, अर्धशुष्क। वो कितने सेंटीमीटर वर्षा रेखा निर्धारित कर रही है, तो वो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा बांट रही है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि जो जैसलमेर है उसमें से कितने डिग्री सेंट वर्षा रेखा गुजर रही है, तो 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा उसमें से गुजर रही है, और 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है वो शुष्क व अर्धशुष्क दो भागों में थार के मरुस्थल को बांट रही है। उसके बाद में देखो ये थार के मरुस्थल को 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, देखो ये रहा, तो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा अरावली के समांतर पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित कर रही है, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है जो ये पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित कर रही है, मतलब इसके बाद में क्या अरावली आ जाएगी और इधर क्या है पश्चिम मरुस्थल आ जाएगा। अगर वो क्वेश्चन ये पूछ ले कि जो राजस्थान है राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा कौन सी है, तो वो है 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ठीक है। और जो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है ये अरावली के समांतर है और पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा रेखा निर्धारित कर रही है, ठीक है। दो चीज़ें क्लियर होगी, एक तो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है ये इसको दो भागों में बांट रही है, एक शुष्क और एक अर्धशुष्क, ठीक है। ये दो चीज़ें क्लियर, एक ये वाला अर्धशुष्क हो गया और ये वाला शुष्क हो गया। शुष्क कौन, अब शुष्क हो जाओ, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा पड़ रही है और यहाँ पर क्या है 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा है, तो यहाँ इसको दो भागों में बांट दिया शुष्क व अर्धशुष्क में, क्लियर है। अब इसके बाद में आगे चलो नेक्स्ट, जो शुष्क रेतीला मैदान है जो मैंने अभी आपको बताया था, जो कि शुष्क रेतीला मैदान है ये वाला, ठीक है, इसको दो भागों में बांट 25 सेंटीमीटर में बांट दे, तो ये वाला शुष्क हो गया। तो शुष्क वाला रेतीला मैदान है इसको देखो, इसमें दो हैं, एक तो बालुका स्तूप युक्त और बालुका स्तूप मुक्त। तो बालुका स्तूप युक्त है वो कितना है, वो है बालुका स्तूप मुक्त है वो कितना है कि मतलब वो है 41.50, मतलब जहाँ पर बालुका स्तूप नहीं पाए जा रहे वो 41.50% क्षेत्रफल है, और जहाँ पर बालुका स्तूप पाए जा रहे हैं वो कितना है, वो है 58.50, ठीक है। ये दो चीज़ें क्लियर रखो, ये एग्जाम में आती है, इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर लो। उसके बाद में नेक्स्ट चलो, उसके बाद नेक्स्ट देखो, जो राजस्थान की आकृति मैंने आपको कैसी बताई थी, पतंगाकार है ना, ये देखो मैंने अभी आपको बताया था जो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है दो भागों में बांट रही है पश्चिम, इसको पश्चिम मरुस्थल को, ठीक है। तो इस वाला ये वाला क्षेत्र कौन सा हो गया, शुष्क हो गया, और ये वाला कौन सा हो गया, अर्धशुष्क हो गया। यहाँ पर देखो लिखा हुआ ही है, पश्चिम मरुस्थल को 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा दो भागों में बांट रही है, एक तो शुष्क और एक अर्धशुष्क, और जो 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है वो जैसलमेर से गुजरती है, ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन बनता है, एक आता है सेज, सेज क्या है, सेज तो सेज देखो, सेज है जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर, ठीक है। तो जैसलमेर का कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर का ये देखो पोखरण, जोधपुर का फलोदी, बाड़मेर का बालोतरा। तो ये क्या है, ये क्या बना रहे हैं, एक बना रहे हैं ऐसे ट्रायंगल बना रहे हैं जिसको बोला जाता है सेज क्षेत्र, ठीक है। जो सौर ऊर्जा के लिए एक सौर ऊर्जा बनाता है, सौर ऊर्जा के लिए एक क्षेत्र है उसको बोलते हैं सेज क्षेत्र। तो सेज क्षेत्र में देखो पोखरण जैसलमेर का, फलोदी जोधपुर का और बालोतरा बाड़मेर का। तो जो सेज क्षेत्र है वो कहाँ पर बन रहा है, पोखरण और फलोदी और बालोतरा में, मतलब जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर, बस आप इतना याद रखना, आपको और याद करने की जरूरत नहीं। जो सेज क्षेत्र है वो कहाँ पर है, जैसलमेर में है, जोधपुर में है और बाड़मेर में है। जैसलमेर का कौन सा एरिया आ जाता है, तो पोखरण आ जाता है, और जोधपुर का कौन सा आ जाता है, तो फलोदी आ जाता है, और बाड़मेर का बालोतरा आ जाता है, ठीक है। तो राजस्थान में जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा के लिए एक काम कर रही है रेडा, ठीक है, राज्य अक्षय ऊर्जा में, इसको आप छोड़ो एक बार, इसको बाद में जो अपने ऊर्जा वाला होगा उसमें करेंगे। बस आप इतना याद रखना, जो सेज क्षेत्र है वो कहाँ पर बन रहा है, ट्रायंगल, सेज क्षेत्र एक ट्रायंगल बना रहा है, वो कहाँ पर बन रहा है, तो वो जैसलमेर में बन रहा है, जोधपुर में और बाड़मेर में, ठीक
ठीक है। हमादा एक आते आगे आता है, हमादा क्या है, हमादा होता है एक चट्टानी मरुस्थल या पथरीला या चट्टानी मरुस्थल। देखो ये चट्टान है ये कोई, ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर सूरज की किरणें पड़ी, यहाँ पर सूरज की किरणें पड़ी तो क्या हुआ, ये क्या होगा, जल्दी गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये गर्म हो गया तो क्या यहाँ से अपने सौर ऊर्जा की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये देखो हमादा है जो, ये क्या है, एक चट्टानी या पथरीला मरुस्थल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सौर ऊर्जा यहाँ से बनाई जा रही है। सौर ऊर्जा के लिए अब ट्राइंगल बना है, जो ये त्रिभुज बना है, तो त्रिभुज में देखो पोकरण, फलोदी और बालोतरा, बाड़मेर का, क्लियर ना। इसके बाद में देखो नेक्स्ट, चलो जो राजस्थान में अवशिष्ट पहाड़ियां हैं उसको मगरा बोला जाता है। ये उदयपुर में भी मैंने आपको शायद शुरू में बताया होगा, ठीक है। तो मगरा मगरा जो पहाड़ियां वो कहाँ पर, उदयपुर में है। तो देखो मैंने अभी आपको क्या बताया, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर, बालोतरा। अब जो जैसलमेर और बाड़मेर के मध्य जो अवशिष्ट पहाड़ियाँ पाई जा रही है उसको क्या बोल दिया इन्होंने, उसको बोल दिया मगरा, ठीक है। जो जैसलमेर और बाड़मेर के मध्य अवशिष्ट पहाड़ियाँ पाई जा रही है उसको इन्होंने मगरा बोल दिया, क्लियर ना। जो अवशिष्ट पहाड़ियाँ मगरा है, ये उदयपुर में भी पाई जा रही है। अवशिष्ट पहाड़ियों को मगरा कहा जाता है, बस इतना याद रखना, क्योंकि मगरा है जो उदयपुर में भी पाई जा रही है, और जो जैसलमेर और बाड़मेर बालोतरा के बीच में क्या है, ये यहाँ पर भी अवशिष्ट पहाड़ियाँ पाई जा रही है। उसके बाद में देखो राजस्थान में मरुस्थल के प्रकार, अब मरुस्थल के प्रकार कौन कौन से हैं, तो मैंने अभी आपको बताया था हमादा। तो हमादा क्या है, संपूर्ण पथरीला मरुस्थल है, उसको क्या बोल दिया, उसको बोल दिया हमादा। उसके बाद में इर्ग आ जाता है, तो इर्ग क्या है, संपूर्ण महान मरुस्थल है, उसको इर्ग बोल दिया। रैग, रैग से मतलब कि रगड़ दिया, ऐसे याद रखना, रगड़ ऐसे रगड़ दिया, तो रगड़ दिया क्या, मिश्रित, रगड़ दिया तो अपने क्या हो गया, वो मिश्रित हो गया, ठीक है। हमादा मैंने आपको बता ही दिया कि पथरीला मरुस्थल जो संपूर्ण, उसको क्या बोल दिया, हमादा बोल दिया, और इर्ग रह गया बीच में, तो जो संपूर्ण या महान मरुस्थल है उसको इर्ग बोल दिया। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में आता है, ये पूछता है क्वेश्चन, ये पूछता है हमादा क्या है, इर्ग क्या है या रैग क्या है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, हमादा है वो तो है पथरीला मरुस्थल, और इर्ग है वो क्या है, संपूर्ण या महान मरुस्थल है, और रैग क्या है, मिश्रित मरुस्थल, मतलब उसको रगड़ दिया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लघु मरुस्थल है वो कहाँ पर है, तो लघु मरुस्थल है जो कच्छ के रण से बीकानेर के मध्य लघु मरुस्थल विस्तृत है, ठीक है। तो आज के लिए अपने जो किया है इतना बहुत है, क्योंकि इससे ज़्यादा करेंगे तो थोड़ा सा ऊपर से निकल जाएगा, अपने पजल हो जाएंगे। तो मैंने आपको जितना आज करा दिया वो बहुत थोड़े टाइम में मैं आपको इतना करवा रहा हूँ, तो मतलब आप सोचो कि इसमें से मैं जो आपको करवा रहा हूँ इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए, जितना हो सकता है शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपका धन्यवाद, थैंक यू। देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें से कुछ भी बाहर नहीं आएगा, तो आप मेरे पर इतना ट्रस्ट कर सकते हो, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि इससे बाहर राजस्थान ज्योग्राफी में से कुछ नहीं आएगा। तो आप इस चैनल को जितना आगे शेयर कर सकते हैं, अपने मित्रों को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता लगे कि यहाँ पर इतनी बढ़िया ज्योग्राफी हो रही है। तो आज के लिए धन्यवाद, तो ऐसे ही बने रहिए आप मेरे साथ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, धन्यवाद।